मित्रों, इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो है हमारी मृत्यु, जिसे चाहकर भी इंसान टाल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी कोई इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसके शव का अंतिम संस्कार अर्थात जला दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परिजनों के अंतिम संस्कार के बाद उस मृत आत्मा के साथ क्या होता है? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद यमलोक से दो यमदूत सिर्फ 24 घंटों के लिए आत्मा को ले जाते हैं। इन 24 घंटों में मृतक के परिजन उसके शरीर का अंतिम संस्कार और अन्य कर्म करते हैं। आत्मा को तब तक यमलोक में उसके द्वारा किए गए कर्मों को दिखाया जाता है। इसके बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके घर छोड़ देते हैं। उसके बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच रहती है, यानी 13वीं तक आत्मा अपने परिजनों के साथ ही रहती है। इसके बाद फिर से आत्मा यमलोक के लिए रवाना हो जाती है। इसी बीच आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं। अब इनमें से किस मार्ग पर आत्मा को भेजा जाएगा, यह उसके जीवन में किए गए कर्मों पर ही निर्धारित होता है। मित्रों, पहला अर्ची मार्ग यानी देवलोक की यात्रा का मार्ग माना जाता है। दूसरा मार्ग धूम मार्ग है, जिसे पितृलोक का मार्ग बताया गया है। और तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग यानी नर्क की यात्रा के लिए होता है। अपने पाप और पुण्य को निर्धारित समय तक भोगने के बाद आत्मा को फिर से शरीर मिलता है। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक के मार्ग में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं बाधाओं में से एक है यमलोक के मार्ग पर पड़ने वाली वैतरणी नदी। ऐसा माना जाता है कि पुण्य आत्मा तो इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा इस नदी में बुरी तरह प्रताड़ित होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पक्षीराज गरुड़ श्रीहरि से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के बीच जो वैतरणी नदी स्थित है, उससे जीवात्मा का क्या संबंध है और उसे इस नदी से कैसी सजा भुगतनी पड़ती है? जिसके जवाब में भगवान श्री हरि ने कहा कि हे गरुड़, जो भी पापी आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है, वो रक्त रूपी जल पात्र में रखे घी की तरह खोली जाती है। इस नदी का रक्त रूपी जल कीटाणुओं और वज्र के समान सूंड वाले जीवों से भरा रहता है। साथ ही यह नदी घड़ियाल, मगरमच्छ और इनके ही जैसे अनेक हिंसक और मांस भक्षण जलचरों से भरी हुई है। नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है, वो 12 सूर्य की गर्मी के समतुल्य तपने लगती है। उससे उस महाताप में पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगता है। जब ताप उससे बर्दाश्त नहीं होता, तब वह दुरात्मा उस भयंकर रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगती है। मित्रों, जिन लोगों ने अपने जीवन में पाप किए होते हैं, उन्हें नरक भेजा जाता है। वहीं जो अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बुरे कर्म करने वालों को नरक में दंडित किया जाता है, वहीं अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग में सभी तरह की सुख सुविधाओं के साथ रखा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है, उन्हें यमराज स्वयं अपने भवन से स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने जाते हैं, जहां अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं। वहीं जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और जीवन भर किसी दूसरे का हित नहीं करते, उन्हें नरक में स्थान मिलता है। बता दें, गरुड़ पुराण में अलग अलग नरकों का भी जिक्र किया गया है, जहां मृतात्मा को पापों की सजा मिलती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में अंधात्मश्रम नरक के बारे में कहा जाता है। यह नरक उन पति पत्नियों की आत्माओं के लिए है, जो अपने साथी को केवल लाभ या उपयोग की एक वस्तु समझते हैं। इस नरक में उनकी आत्माओं को मारा जाता है। यह सिलसिला बहुत तेज गति से चलता है। वहीं तमिश्रम नरक में उन लोगों को जगह मिलती है, जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़पी होती है। यहाँ उन्हें तब तक मारा जाता है, जब तक कि वे बेहोश न हो जाएं। दोबारा होश में आने के बाद फिर से उन्हें इसी तरह लहूलुहान किया जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता है, जब तक कि सजा का समय समाप्त ना हो जाए। बता दें, कुंभी पाकम नरक में शिकारी लोगों यानी उन लोगों की आत्माओं को लाया जाता है, जो अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। यहाँ उनके इस कर्म की सजा में उन्हें खौलते तेल में उबाला जाता है। मित्रों, वहीं असिताप त्रम नरक में वो लोग आते हैं जो अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं, जिम्मेदारियों से भागते हैं। इस नरक में उन लोगों की आत्माओं को फेंका जाता है। यहाँ लाकर उन्हें तब तक चाकुओं से छलनी किया जाता है, जब तक कि वे बेहोश नहीं हो जाते। गरुड़ पुराण में कलासूत्रम नरक के बारे में बताया गया है कि यहाँ उन आत्माओं को लाया जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी बड़ों का आदर सम्मान नहीं किया होता। इस नरक में बुरे कर्मों की सजा देने के लिए अधिक गर्मी में तब तक रखा जाता है, जब तक उनकी सजा की सीमा समाप्त नहीं हो जाती। तो मित्रों, आपने देखा कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। इसके साथ ही आपने देखा कि आत्मा को किस हिसाब से स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।